जोड़िए, उससे मिलवाते हैं छोटा सा। हेलो जवाब, हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। सो अभी मैं हूँ फिलहाल आसाम के गुवाहाटी में, और यहाँ से मुझे जाना है शिलोंग। और शिलोंग मेघालय घूमने के लिए आपको सबसे पहले गुवाहाटी आना ही होगा, क्योंकि यहीं से जो है आगे का रास्ता हमारा तय होगा। तो फिलहाल मैं हूँ अभी गुवाहाटी स्टेशन का बाहर में, और यहाँ से मुझे गुवाहाटी टैक्सी स्टैंड में जाना है, जो कि ठीक स्टेशन के पास में ही है। चलिए पहले टैक्सी स्टैंड में जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं शिलोंग का गाड़ी कहाँ से मिलता है। तो फाइनली है गुवाहाटी टैक्सी स्टैंड, और यहाँ से शिलोंग मेघालय के लिए गाड़ी मिल जाती है शेयरिंग में, बुकिंग में। आप जैसे भी चाहो जा सकते हो, आप बस में भी जा सकते हो, बस में थोड़ा सा किराया कम पड़ता है। तो ये है हमारी आज के लिए गाड़ी, जो कि 350 रुपीज़ पर पर्सन है शेयरिंग में। तो इसी गाड़ी में हम लोग आगे का जर्नी करेंगे। तो दोस्तों, गुवाहाटी से शिलोंग लगभग 99 किलोमीटर है, आप 100 किलोमीटर मान के चलिए। लेकिन ये 100 किलोमीटर जर्नी कम्प्लीट करने के लिए लगभग 4 से 4.5 घंटा लग जाता है आराम से, और अगर आपका किस्मत ख़राब हुआ तो 5 घंटा भी लग सकता है। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया, यहाँ पे जो है ड्रैग रेस वगैरह बहुत ज़्यादा रास्ते में चल रहा है। अभी शाम का वक्त है, लेकिन यहाँ पर लड़का लोग जो है रेसिंग वगैरह कर रहे हैं रास्ते पे। तो देख के मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, क्योंकि हाईवे और मेन हाईवे में ऐसे रेस वगैरह चल रहा है। तो चलिए अभी सबसे पहले शिलोंग में पहुँचते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हे गाइस, रात को अभी बज गए हैं 9:15, और हम लोग अभी पहुँचे हैं। एक्चुअली हम लोग जो है 4:30 बजे गुवाहाटी से आए थे, और रात को अभी पहुँचे हैं। और ये है शिलोंग, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो आज तो कुछ ब्लॉक होगा नहीं गाइस, तो कल मिलते हैं, ठीक है। सो गुड नाइट गाइस, एंड कल मिलते हैं, ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रॉम शिलोंग। और अभी मैं हूँ शिलोंग में, मेरे एक अंकल है यहाँ पर, अंकल जी के घर पे। और आफ्टर लॉन्ग टाइम गाइस मैं ब्लॉगिंग अभी आ रहा हूँ ब्लॉगिंग पे, बिकॉज अभी टाइम नहीं मिल रहा है, चल रहा है मेरा इंटर्नशिप, और स्टडी तो करना ही पड़ेगा जो भी है ब्लॉगिंग का साथ साथ। और ये है मेरा भाई, छोटा भाई, सब्सक्राइब करो। वो देखिए उधर में अपना छोटा सा नन्ना सा डॉगी, तो तब पहचानते होंगे। चलिए उनसे मिलवाता हूँ छोटा सा। हेलो, हाय। नहीं, वो अभी फिलहाल बहुत गुस्से में है। बेसिकली मामा जी का घर का पीछे में है बॉल फील्ड, तो पैदल डिस्टेंस है यहाँ से, तो पैदल ही जा रहे हैं। बहुत अच्छा सा जगह में मामा जी का घर है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिलोंग में जो है होटल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर करीब सिंगल बेड आपको मिल जाएगा, सिंगल रूम और सिंगल बेड आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज़ से स्टार्टेड है। और अगर आपको डबल बेड चाहिए 1500 से स्टार्टिंग है। कल मेरा दो दोस्त आया था जिसने डबल बेड का रूम लिया था। तो अगर आपको शिलोंग में सस्ता सा होटल लेना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उनका एड्रेस दे दूंगा। ये देखिए घर है यहाँ पर, कितना सुंदर सुंदर घर है। सच में यार, जहाँ भी चले जाओ हिल स्टेशन का मज़ा ही कुछ अलग होता है, जहाँ भी चले जाओ आप लोग। जैसे कि मैंने आपको शिमला का स्टेशन दिखाया, कश्मीर का स्टेशन दिखाया, तो वैसे ये भी एक छोटा सा स्टेशन, लेकिन लगभग सभी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए रास्ता नहीं ना, ना चलिए सीधा मिलते हैं गोल्फ फील्ड में जाके। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दैट गाइस। वो देखिए गोल्फ चल रहा है यहाँ पे। अभी करते हैं थोड़ा सा फोटोशूट और रील्स वगैरह, उसके बाद मिलते हैं। चलिए उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर तू आसमान समी, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला
फोटोज वीडियोज बहुत सारा कैप्चर कर लिया, वो भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। आप जस्ट इमेजिन करो यहाँ का ब्यूटी को, चारों तरफ नज़ारा देखिए। ओ माय गॉड, वो देखिए वहाँ पर गोल्फ खेल रहे सब। वही तो वही वही जगह पे बोल छो फोटो तुलते। ये देखिए कैसा पेड़ है यहाँ पे, इस साइड में तो हम लोग पूरा टूर कर लिए यहाँ पे, फोटोज वीडियोस बहुत सारा बना लिए, लेकिन अभी जाना है हम लोग को उस तरफ पे, क्योंकि एक गोल्फ फील्ड जो है बहुत बहुत बड़ा है, और मैंने सुना है उस साइड में एक झील भी है, तो अभी झील के साइड में जा रहे हैं देखते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मैंने अपना कैमरा जो है अभी सेल कर दिया है, और ये सारा ब्लॉग, ये टोटल ब्लॉग जो है मेघालय सीरीज का, ये टोटल जो है आईफोन से शूट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अगर वीडियो क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे नया कैमरा लेना है, और कौन सा कैमरा है वो आपको पता लग जाएगा वीडियोस में। फिलहाल अभी चलते हैं, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। टूरिस्ट पंचर लोकल रेजिडेंट 13 अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो टूरिस्ट टैक्स 50 रुपीज लोकल टैक्स। वेलकम टू गोल्फ कोर्स। बेसिकली बात है कि लोकल्स लोगों के लिए है 30 रुपीज पर पर्सन, एंड टूरिस्ट के लिए 50%, क्योंकि हम लोग यहाँ का मतलब भाई यहाँ का लोकल है, तो इसलिए हम लोग को 30 रुपीज करके लिया गया है, दो जन का 60 रुपीज। जाते हैं देखते हैं अंदर में क्या मिलता है, इज इट 30 रुपीज इज वर्थ इट, जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए ये बेसिकली डेटिंग करने का प्लेस है, तो जेनी है ना बात, हां এত ফোনের মধ্যে আর কি আর হবে, এত একটুখানি একটু ফোন। পয়সা ছিল না বলে এটা কিনতে লাগছে না, এর ধরেই কিনতাম, ওর তো পয়সা নাই, ভিখারি হয়ে গেছে এখন ভাই, মাল রাজার ধন শেষ হয়ে গেছে। বেসিক্যালি এই প্লেসে আপনার কাপলস কে লিয়ে, কাপলস তো यहां पर ज्यादा है चारों तरफ, लेकिन फैमिली भी आते हैं ऐसा बात नहीं है। देखें गोल्फ, तो गाइस पार्क में घूमते घूमते थक गए अभी, अभी मोमोस लिए यहाँ पर, जो रेस्टोरेंट अभी देखा आपको क्या को वहाँ से 120 रुपीस ये देखिए, साथ में स्प्राइट है अपना, और इधर में देखिए पता नहीं ये लोग कौन है, इधर में तो मस्त सीन चल रहा है मेरे भाई, अगर ये 22 होता तो मैं आपको दिखा देता। तो मोमो को ट्राई करते हैं, कैसा है मोमो, पानी वाओ नाइस मोमो भैया, क्या बात, ओ ओ हो, क्या बात क्या बात, नाइस नेपाली गाना है, नेपाली गाना। सो गाइस यहाँ पे हमें अपना कुछ दोस्त लोग मिल गए यहाँ के लोकल से, जो तो लिटरली वो लोग यहाँ पर थोड़ा पार्टी वार्टी कर रहे थे, सब पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा अभी इंजॉय करेंगे, डांस वगैरह करेंगे सब मिल के, ठीक है, इंजॉय डांस। फ्रेंड्स योर नेम, एलिफेंट एंड कैमरा ना ना
सुबह से अभी बज गए हैं शाम के 5 और बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती यहाँ पर हो गया। यहाँ पर कुछ लोकल फ्रेंड्स भी मिल गए थे हमें, जिसके साथ थोड़ा बैठा, जो डांस का वीडियो आपने देखा उनके साथ थोड़ा डांस वगैरह किया। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बुद्धा टेम्पल, क्योंकि आज वहाँ पर एक सेरेमनी होने वाला है, जिनके कारण ही हम लोग जो है मामा जी के घर पर रुके हैं अभी। तो चलते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है, चारों तरफ देखिए कपल्स ही कपल्स भरे भरे यहाँ पे, इधर उधर इधर चारों तरफ। ये देखिए तो ये था छोटा सा एक टूर जो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए कि शिलोंग, शिलोंग का सिटी कैसा होता है। और आप लोग शिलोंग आते हो तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, अगर आप लोग गोल्फ वगैरह खेलना चाहते हो तो। सो फाइनली अभी पहुंच गए हैं बुद्धा टेम्पल, जहाँ पर सेरेमनी होने वाला है। अनुष्ठान प्रोग्राम इंग्लिश में बोले सेरेमनी, सेरेमनी शेरवानी ना, झलक तरीका। प्रोग्राम का तैयारी चल रही है यहाँ पे। और ये है अपना टेम्पल, बुद्ध टेम्पल। यहाँ से आपको पूरा शिलोंग का नज़ारा दिखेगा। वो देखिए स्टेडियम, वो रहा दूर में स्टेडियम। आइए आपको टेम्पल का सैर कराता हूँ अभी।